मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बेमौसम हुई बारिश और आंधी तूफान से किसानों के खेतों में प्रभावित हुई फसलों के नुकसान की जानकारी मिलने पर कलेक्टर से चर्चा की। साथ ही जल सर्वे टीम गठित कर किसानों के नुकसान की रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। मेरे संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान बंधुओं को इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस आपदा के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ में खड़ी है। निश्चित रूप से जो ओले से आंधी तूफान से जो हमारे किसान बंधु की गेहूँ की चने की फसल को जो नुकसानी हुई है वो नुकसानी बहुत ज़्यादा है और उस नुकसानी की भरपाई तो ऊपर वाले के अलावा कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमारी सरकार हमेशा किसानों के दुख दर्द में खड़ी रहती है। और जैसी मुझे जानकारी लगी है मैंने तत्काल संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देशित भी किया है कि नीचे के अमले को पटवारी तहसीलदार सभी को किसानों के खेत में पहुंचाकर उनकी फसल के नुकसानी का आकलन करके उनको अधिक से अधिक सरकार की तरफ से सहायता दी जाए। इस दिशा में प्रयास करके जल्द से जल्द किसानों के फसलों का मुआयना करके उसका नुकसानी का आकलन करके किसानों को राहत देने के लिए सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मोदी की सरकार हमेशा किसानों के दुख की घड़ी में हमेशा साथ में रहती है और इस बार भी अधिक से अधिक किसानों को उसकी नुकसानी की भरपाई करने के लिए हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे किसानों को राहत दी जाए।